वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके चैनल में। यदि आप अपनी किस्मत के छुपे राज जानने को उत्सुक हैं, तो जानिए 2017 राशिफल। ये राशिफल 2017 वैदिक ज्योतिष की प्राचीन सिद्धांतों पर आधारित है। इसके द्वारा आपको अपनी अनेक समस्याओं की गुत्थी सुलझाने का मौका मिलेगा। जानिए प्यार, व्यापार, कारोबार, स्वास्थ्य और संतान आदि के बारे में क्या कहते हैं आपके सितारे। साथ ही आजमाएं कुछ खास उपाय जिनमें छुपा है आपकी सभी परेशानियों का हल। आइए जानते हैं 2017 में क्या कहते हैं आपके सितारे। सिंह राशि फल 2017 यानी लियो। इस वर्ष आपको आर्थिक स्थिति को लेकर ज्यादा चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वर्ष के दूसरे भाग में आपकी किस्मत और भी तेज हो सकती है। कम मेहनत से अधिक आमदनी की संभावना बहुत है। अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें। वैवाहिक जीवन में तालमेल बनाकर चलें। जीवन साथी की भावनाओं का आदर करें। अपना बिजनेस करने वालों के लिए ये साल मुनाफा कमाने वाला साबित हो सकता है। प्रॉपर्टी से जुड़े लोगों को सतर्क रहना चाहिए। संतान को स्वास्थ्य संबंधी तकलीफें रह सकती हैं। इस साल शेयर बाजार में निवेश करना लाभदायक हो सकता है, जिससे अप्रत्याशित लाभ मिलने की संभावना है। हालांकि इसके लिए वर्ष के मध्य तक इंतजार करना शुभ होगा। छात्रों के लिए यह साल बेहतरीन साबित हो सकता है। इस समय बैंकिंग या प्रबंधन जैसे क्षेत्रों की पढ़ाई के लिए समय अनुकूल है। अगर आपने थोड़ी सी मेहनत की है तो उसका पूरा फल अवश्य मिलेगा। शिक्षकगण आपसे प्रसन्न रहेंगे और परीक्षा में सफलता मिलने के योग है। यह वर्ष नौकरी पेशा वालों के लिए भी शुभ होगा। इस राशि के लोग भले ही किसी भी क्षेत्र में कार्यरत क्यों ना हो, उन्हें सराहना, सहयोग और ऐसी खुशी मिलने की संभावनाएं बन रही है जिनका वो काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। वैदिक ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपके द्वारा शुरू किए गए हर काम के समय पर पूरा होने के योग्य है। कोई शुभ कार्य की भूमिका बनने से चिंता का निवारण होगा। साथ ही आपको नौकरी के अलावा अन्य स्रोतों से भी उचित लाभ हो सकता है। नौकरी की तलाश में लगे युवाओं को अच्छे ऑफर मिल सकते हैं। साथ ही आप बेहतर मार्केटिंग के बल पर अपने व्यापार से और अधिक मुनाफा कमाने में सक्षम होंगे। सोचा हुआ कार्य समय पर बन जाने से आपका मन प्रसन्न रहेगा और कामकाज में प्रगति होगी। विरोधी पक्ष से सावधान रहे और उनसे सोच समझकर व्यवहार करना उत्तम रहेगा। आपका कोई विश्वास पात्र व्यक्ति ही आपके साथ विश्वासघात कर सकता है, अतः सावधानी अपेक्षित है। लंबी यात्राएं आपके लिए लाभप्रद रह सकती है। विशेषतः महिलाओं के लिए यह वर्ष सफलताप्रद हो सकता है। समय अनुकूल है लाभ उठाने से न चुके। उपाय: सूर्योदय के समय सूर्य नमस्कार करें और पिता को सम्मान दें। शनि साढ़े सती ढैया। सिंह राशि पर शनि की ढैया 26 जनवरी 2017 तक ही रहेगी। शनि ढैया का फल अचानक धन लाभ, स्त्री पुत्र से सुख, संपत्ति लाभ और सेहत ठीक। सलाह: क्रोध करने से बचे। सकारात्मक पक्ष: आप आत्मविश्वासी हैं। नकारात्मक पक्ष: आपको धैर्य बढ़ाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1, 4, 10, 13, 19 और 22। शुभ रंग आपके लिए नारंगी, पीला और लाल रंग शुभ है। शुभ दिशा आपके लिए पूर्व दिशा शुभ है। खाने पीने की वस्तुएं: गुड़, संतरा, रोटी, लाल मलका और लाल मिर्च शुभ हैं। आइए और जानते हैं सिंह राशि फल 2017। नौकरी और व्यवसाय: इस वर्ष आपकी आमदनी कुल मिलाकर अच्छी रहेगी। नौकरी पेशा लोगों को भी अपनी कुशलता के बल पर आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे।
सरकारी नौकरी करने वालों को विशेष सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। इस दौरान आपके अधेर में लटके कार्य गति पकड़ेंगे। जो नौकरी या व्यवसाय आप कर रहे हैं उसमें पूर्ण सफलता मिलने की संभावना है। कार्यों की सफलता आपके आत्मविश्वास को प्रोत्साहन देगी। व्यवसाय से जुड़े मामलों में आप अपने कौशल से एवं अनुभव से काफी सुधार लेकर आएंगे। नए कार्य शैली या तकनीकी को अपनाने से आपके व्यापार में वृद्धि होगी और आपका उत्पादन बढ़ेगा। सी के लिए 2017 के वैदिक ज्योतिष आधारित फलादेश के अनुसार नौकरी में वेतन वृद्धि और व्यवसाय में आर्थिक लाभ मिलने से आपका मन प्रसन्न होगा। व्यवसायिक मोर्चों पर आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। इस समय आपके गुप्त शत्रु एवं विरोधी भी आपके सामने हार जाएंगे और आपके साथ अच्छे संबंध स्थापित करने का प्रयास करेंगे। किसी उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी या प्रभावशाली व्यक्ति का सहयोग आपको नौकरी या व्यवसायिक मामलों में काफी लाभ प्रदान करेगा। विदेश में काम करने वाले जातकों की आमदनी बढ़ेगी। सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को निवास स्थान से दूर जाना पड़ सकता है। शॉर्टकट से धन प्राप्ति का योग बन रहा है। इस समय यदि आप शेयर बाजार के कार्यों में सोच समझकर पहल करते हैं तो लाभ होने की संभावना है, परंतु रियल एस्टेट का कार्य करने वाले लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है, अन्यथा नुकसान होने की भी संभावना है। आर्थिक स्थिति। सी राशि वाली जातकों के लिए इस समय धन प्राप्ति का अच्छा योग बन रहा है। कोई पुराना उधार वापस मिलने से आर्थिक स्थिति में काफी सुधार होगा, जिसके चलते आप अपने व्यवसाय को विस्तार देने के बारे में सोच सकते हैं या किसी नए व्यापार में निवेश कर सकते हैं। ऋण और वित्तीय मामलों के संदर्भ में आपके प्रयास सफल हो सकते हैं। 2017 के लिए सी का फल कथन संकेत कर रहा है कि किसी से धन लिया हो अथवा उधारी हो तो उसे भी चुकाकर कर्ज में कमी कर सकेंगे। आर्थिक सुधार के कारण व्यापार में सम्मान बना रहेगा। धन प्राप्ति के लिए आपको भागदौड़ करनी पड़ सकती है, लेकिन आपको अपेक्षित नतीजे मिलने के कारण आत्मसंतुष्टि भी होगी। जानते हैं छात्रों के लिए कैसा रहेगा। शिक्षा के संबंध में विचार करें तो आप नियमित पढ़ाई का ध्यान रखेंगे। पढ़ाई में विद्यार्थियों की एकाग्रता दिन प्रतिदिन बढ़ेगी। उच्च शिक्षा से जुड़े छात्रों को पढ़ने में अधिक रुचि रहेगी। शिक्षा से जुड़े किसी योग गुरु का मार्गदर्शन आपको मिलता रहेगा, जो आपके लिए खूब महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। पढ़ाई के अलावा बौद्धिक गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ेगी। सी राशिफल 2017 के अनुसार परदेश में पढ़ने के इच्छुक छात्रों को पूर्ण सफलता मिलने के योग है। बैंकिंग या प्रबंधन जैसे क्षेत्रों की पढ़ाई के लिए समय अनुकूल रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं और सरकारी या निजी क्षेत्रों पे ली जाने वाली परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जातकों को सफलता मिलने का योग दे रहा है। अब जानते हैं पारिवारिक जीवन के बारे में। आपको परिवार की ओर से कुछ धन लाभ मिल सकता है या कोई सहायता प्राप्त हो सकती है। मौज मस्ती, मनोरंजन एवं शौक पूर्ति के लिए आप धन खर्च करेंगे। पुरानी पैतृक संपत्ति एवं जायदाद से जुड़े मामलों में समाधान मिल सकता है। जीवन साथी के साथ तनाव संभव है, इसलिए व्यर्थ के विवाद से बचे तो बेहतर होगा। आपके संबंधों में किसी प्रकार की कड़वाहट ना आए, इसलिए वाणी व व्यवहार को संयमित रखें और अपने बीच अहम की दीवार ना खड़ी होने दें। अपने लाइफ पार्टनर से खुद को बेहतर साबित करने का प्रयास न करें। सी का 2017 का भविष्य फल इंगित कर रहा है कि कोई करीबी व्यक्ति भी आपके संबंध बिगाड़ने का प्रयास कर सकता है, इसलिए सतर्क रहे। संतान की स्वास्थ्य संबंधी तकलीफें आपकी मानसिक चिंता बढ़ा सकती है। पिता की ओर से आपको आर्थिक सहायता मिल सकती है। आपको अपने गुरु के सानिध्य का भी लाभ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि से यह समय लाभदायक है। क्या कहता है आपका प्रेम संबंध? आपके प्रेम संबंध में दिन ब दिन परिपक्वता आएगी। आपको अपने पार्टनर के साथ हंसी मजाक और मस्ती करने के हल्के फुल्के मौके मिलते रहेंगे। आप रिश्तों के प्रति अधिक गंभीर बनेंगे और स्वतः रोमांटिक मूड में ही रहेंगे।
लेकिन अपने प्रेमी के साथ प्रत्यक्ष मुलाकात न होने से आपका मन कुछ व्याकुल रह सकता है। आप अपने साथी से अलग अलग माध्यमों से संपर्क में रहने का प्रयास अवश्य करेंगे। आपके मित्र मंडली में विपरीत लिंगी जातकों की बढ़ोतरी होगी। यदि पहले से ही आपके प्रणय संबंधों में कोई मतभेद चल रहा है तो अब धीरे धीरे उसका समाधान निकलेगा। जो जातक अकेले हैं, उनके जीवन में किसी खास व्यक्ति के आने की संभावना है। सिंह राशि के वे लोग जो पहले से विवाहित है वो अपने जीवन साथी के साथ वर्ष 2017 में मधुर पल बिताएंगे और कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं। स्वास्थ्य जानकारी। इस अवधि में स्वास्थ्य कुल मिलाकर अच्छा रहेगा। आप मानसिक शांति महसूस करेंगे। जो लोग पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, उनके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। घर में मेहमानों के आने जाने से आप व्यस्त रहेंगे। आपकी फुर्ती और ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा। फिटनेस आपकी उम्र को छिपा देगी। तंदुरुस्ती और मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक विषयों की ओर आपका झुकाव बढ़ेगा। कुछ मौसमी बीमारियां आपको तंग कर सकती हैं। गर्मी के कारण होने वाले रोगों से संभल कर रहें व साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। आइए जानते हैं कुछ उपाय। अपनी दिनचर्या सुधारें व तामसिक वस्तुओं का सेवन कम करें। रोजाना सूर्य, शिवलिंग व पीपल पर जल चढ़ाएं। शनिवार को काली वस्तु, काला कपड़ा, काली दाल तथा सरसों के तेल का दान करें। पिता या पिता समान व्यक्ति की सेवा करें। आदित्य हृदय स्त्रोत का नियमित पाठ करें। दोस्तों, चमत्कारी टोटके चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जुड़े रहिए चमत्कारी टोटके चैनल के साथ।